हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर एक बार सुपर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम खेलने वाले सुपर ओवर का गेम प्ले, जो कि मुंबई वर्सेस पंजाब के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो पूरा वीडियो को देख लीजिए एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल पर क्लिक करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस ऐप में आप कम मेहनत और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ऐप का नाम है प्लेयर स्पॉट। तो दोस्तों, आप प्लेयर स्पॉट का ऐप का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें कि आप स्पोर्ट्स का प्रेडिक्शन करके डेली का लाखों रुपए कमा सकते हो। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी से पता ही होगा, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इनका कुछ इंटरेस्टिंग और ईजी गेम्स, जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, जो प्लेयर स्पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो गेम्स, तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और इजी गेम्स है, जिससे कि आप आराम से पैसे भी कमा सकते हो घर बैठे बैठे। इसमें कि यार अब ज़्यादा कुछ मेहनत करना भी यहाँ पर काम नहीं है, आराम से खेल के आराम से पैसा अर्न कर सकते हो। तो अब बता नहीं जा रहा हूँ कि इसमें कौन सा गेम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने को मिलता है लूडो, स्नैक्स एंड लैडर्स, शिप फाइट और क्विज भी आपको देखने को मिलता है, चेस भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि यार ये सब गेम्स जो है आपको इजी हो गए होंगे, मतलब कि यार बोर्ड गेम्स है, आराम से इसको खेल कर जो है आप आराम से पैसे भी कमा सकते हो। तो ऐप जो है बहुत ही अच्छा है एंड इसके बारे में पता होगा कि यार ट्रस्टेड ऐप है इंडिया का प्लेयर स्पोर्ट। इसमें कि आपको आराम से विड्रॉ का भी कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से विड्रॉ भी हो जाता है। तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग का अमाउंट है वो 25 रुपीज़ से कम है, मतलब कि अगर आप ये गेम खेलना चाहते हो तो उसका जो अमाउंट है 25 रुपीज़ से भी कम है, ये भी अच्छे देखने को मिलता है। बस उतना नहीं गाइस, आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो अपना दोस्तों के साथ, आपका दोस्तों के साथ खेलकर आप मतलब जीत सकते हो। तो उसके बाद आप डेली का 25 लाख रुपीज़ तक जीत सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा आप जीतने का चांसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बस उतने नहीं गाइस, प्लेयर स्पोर्ट का 3 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है, उसके साथ ही 100% सिक्योर ऐप है। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड इसके लिए आपको KYC का भी जरूरत नहीं है विड्रॉ करने के लिए, मतलब कि पेटीएम KYC का आपको मतलब कि KYC करवाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास KYC मिनिमम KYC है तो बस वो चल जाएगा, आपको आराम से विड्रॉ भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको अच्छा ऐप हो सकता है। तो बस उतने नहीं गाइस, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाकर अभी आप डाउनलोड करोगे एंड साइन अप करोगे तो आपको इंस्टेंटली 50 रुपये का बोनस देखने को मिलता है। तो मेरा लिंक के थ्रू जाना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे लिंक के थ्रू जाकर डाउनलोड कर लो एंड आप ये सभी गेम्स खेलकर बहुत सारे पैसे अर्न कर लीजिए। तो अभी प्लेयर स्पोर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सुपर ओवर के अंदर पहले हमको बैटिंग करने के लिए चांस मिला है, तो पहले हमको बैटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं भेजा हूँ हार्दिक पांड्या और पोलार्ड को एंड यहाँ पर मैं मुंबई की तरफ से खेल रहा हूँ, मेरा अपोनेंट जो यहाँ पर पंजाब है। बट देखते हैं कि यार क्या हो पाता है इस मैच के अंदर। तो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे मोहम्मद शमी, स्ट्राइक पर है अभी हार्दिक पांड्या, तो क्या इस समय अच्छे शॉट लगा पाएंगे। एंड यहाँ पर संपर्क अच्छा हुआ है, मिल जाएगा चौका। तो पहले गेंद में यहाँ पर चौके के साथ शुरुआत करते हुए हार्दिक पांड्या, तो और भी एक बड़ा शॉट जाना चाहिए था, मतलब कि 6 रन भी जा सकता था बट टाइमिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए बस यहाँ पर चौका मिलता हुआ। बट अच्छी बॉल भी था यहाँ पर मोहम्मद शमी के द्वारा, तो देखते हैं यार क्या इस समय क्या कर पाएंगे मोहम्मद शमी। एंड मोहम्मद शमी तो भाई बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं यार क्या यहाँ पर बड़ा शॉट लगा पाएंगे। लॉफ्ट करते हैं, एडवांस टाइमिंग शॉट यहाँ पर लेट होता हुआ, तो देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा लेट हो गया, तो इसी के वजह से भाई यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ। फिर से अच्छी बॉल मोहम्मद शमी के द्वारा, तो यहाँ पर यार अच्छे शॉट नहीं लगा पा रहे, पता नहीं यार क्या हो रहा है, टाइमिंग इतना सही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं यार इस समय फिर से वही शॉट खेला हूँ, बट यहाँ पर मिल जाएगा इस समय चौका, चौका मिलेगा कि नहीं भाई। दो दो फील्डर्स भाग रहे हैं, भागते रहेंगे बट पकड़ेंगे नहीं। अरे भैया कितना भाग रहे हैं, तो मतलब भाग भाग कर भाई कुछ कॉम्पिटिशन थोड़ी ना लगा रखे, उससे ज़्यादा ये भाग रहे हैं, उससे ज़्यादा ये भाग रहे हैं, बट बीच में कोई भी पकड़ नहीं पाया एंड मिल गया हमको चौका। तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो देखते यार क्या कर पाएंगे ये फिर से भी। तो यहाँ पर चौथा बॉल है, तो चौथा बॉल पर फिर से एडवांस टाइमिंग शॉट लगाने की कोशिश, फिर से लेट होता हूँ। पता नहीं यार आजकल मेरा एडवांस टाइमिंग शॉट लगाने में इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। बट ये जो मैच खेला जा रहा है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं हम, तो आपको ग्राउंड कैसे लग रहा है जरूर से एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए। तो इससे मैं पीछे मारने का कोशिश, बट पीछे भी वहाँ पर फील्डर है, बस मिल जाएगा 2 रन। देखो यार आज तो मुझे लगता है कि यार आज हमारा लक्की ठीक नहीं है, क्योंकि यार इस समय पर हमारा मतलब कि कम से कम 20-22 रन तो आराम से हो जाते हैं, बट पता नहीं यार अभी तो 10 ही रन हुए 5 बॉल के अंदर, मतलब आज थोड़ा सा बैटिंग इतना सही नहीं हुआ है। बट चलो हम बॉलिंग के अंदर देख लेंगे कि भाई क्या हुआ है। फिर से पीछे मारने का कोशिश किया है, इस समय भी इतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, फिर से मिलेगा 2 रन। तो बस 2-2 रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पर 12 रन हो चुके हैं। अभी इनको जीतने के लिए चाहिए 13 रन। क्या इसको हम डिपेंड कर पाएंगे कि यार पंजाब जीतेगा इस मैच को,
क्योंकि बस 13 रन है 6 बॉल्स के अंदर आराम से मार सकते हैं। बट मैं बॉलिंग यहाँ पर दिया हूँ जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह भाई ऐसे बोल रहे कि यार अगर आपके पास 6 रन भी आए तो यार जिताने के काबिलियत रखते हैं जसप्रीत बुमराह। तो देखते हैं यार इस समय क्या हो पाता है। पहला गेंद जीतने के लिए चाहिए 13 रन 6 बॉल्स के अंदर। यहाँ पर अच्छी शॉट बट मिल जाएगा यहाँ पर बस 2 रन, फील्डर वहाँ पर था तो यहाँ पर 2 रन मिलता हुआ। तो अभी भी जीतने के लिए चाहिए 11 रन 5 बॉल के अंदर। तो स्ट्राइक पर फिर से केएल राहुल। तो इस समय क्या बड़ा शॉट का कोशिश करेंगी या मतलब कि आउट होंगे, देखते हैं यार क्या हो पाता है। तो यहाँ पर अच्छी बॉल है वहाँ पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ जसप्रीत बुमराह के द्वारा। पर डॉट बॉल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सुपर ओवर के अंदर डॉट बॉल मतलब कि भाई बहुत ही बढ़िया। तो चलो देखते हैं यार अभी क्या हो पाता है। तो यहाँ पर अभी अच्छी बॉल है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक ही रन मिलता हुआ, 1 रन या 2 रन, चलो 1 ही रन मिलता हुआ। मतलब कि यार प्रेशर अभी है पंजाब के ऊपर क्योंकि अभी बस 3 बॉल पर 3 ही रन आ चुके हैं पंजाब के द्वारा। अभी जीतने के लिए चाहिए 10 रन 3 बॉल के अंदर, यानी कि अभी तो भाई इस बॉल में चौका या छक्का आई है। तो क्या यहाँ पर चौका या छक्का आ पाएगा? अरे भाई चौका छक्का तो छोड़ो भाई, 1-2 रन भी नहीं ले पाएंगे। फिर से यहाँ पर डॉट बॉल। तो अभी यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए 10 रन। तो अभी बाउंड्रीज के छोड़कर और कुछ आए तो भाई कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखते हैं यार क्या हो पाता है इस बॉल के अंदर। यहाँ पर अच्छी शॉट का कोशिश बट वहाँ पर फील्डर है, यहाँ पर मिलेगा बस 2 रन। तो इस 2 रन से भी हमको पता चलता है कि यार इस मैच को हम जीत चुके हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिकली 8 रन तो पॉसिबल ऐसा नहीं है। अगर हम वाइड या मतलब कि नो बॉल नहीं डाले तो यार प्रैक्टिकली इनको मारने का पॉसिबल नहीं है। हम तो इतना पागल नहीं कि भाई नो बॉल डालने के लिए। तो चलो इस मैच को हम जीत चुके क्योंकि यार अच्छी बॉल था एंड वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस यहाँ पर 1-2 रन मिलते हो। चलो जो भी है गाइस जितने भी रन लेने तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो इसी के साथ इस मैच को हम जीत चुके बट अच्छी बैटिंग हुई, अच्छी बॉलिंग हुई, सब कुछ हुई। एंड आपको गेम प्ले कैसा लगा जरूर से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।